हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आज है हनुमान जयंती और हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये अपना नाश्ता करके चले गए हैं। मैंने अपने लिए चाय, बस आधा कप ही चाय पीनी है, दिल नहीं कर रहा। और अपने ब्रेड पीस लेके हैं, ये ब्राउन ब्रेड पीस है। कई बार मैं पीस खाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आंटी जी आप ब्राउन ब्रेड खाया करो, तो मैंने ब्राउन ब्रेड ही सेकी है अपने लिए, आटे वाली। 2:30 बज गए हैं, ये आ गए हैं दुकान से। अब इनको मैं रोटी देने जा रही हूँ, कोफ्ते हैं और शिडी का अचार है और परांठा है। ये परांठा बहुत शौक से खाते हैं तो इनके लिए मैंने परांठा बना दिया है। हमारा क्रिया है कपड़े, तो जैसे कि मेरा बर्थडे है परसों, तो मैंने जाना है नेल्स कराने। तो मैं, मेरी फ्रेंड आ रही है, उसके साथ जा रही हूँ नेल्स करवाने और फिर आपको वहीं जाके दिखाती हूँ। मैं पीच पर कलर के ड्रेस पहनती, लेकिन मैं पीच नेल्स नहीं करा सकती, थोड़े हाथ काले लगते हैं मेरे। तो मैं देख के अब कौन सा कलर कराऊंगी, थोड़ा डार्क में। आप सजेस्ट करो किस में कलर में कराऊं। मेरे से पूछ रही है? मैं तो यूट्यूब फैमिली से पूछ रही है। आपसे बताओ जो तेरे कलर को, जब तक यूट्यूब फैमिली देखेगी तब तक मैं करा चुकी होगी ना, मैं उनसे पूछ रही थी। अपनी फ्रेंड से पूछ, फ्रेंड आ जाओ, शर्माओ नहीं, आ जाओ आ जाओ। ये बताओ ये कौन से कलर के करवाए, इसकी पीच कलर की ड्रेस है पिंक या फिर? नहीं, वहीं जाके देखते हैं। ऐसे करो, उनके थैंक यू। शाम के 6 बज चुके हैं, मैं दुकान पे आ चुकी हूँ। मैं दुकान की सीट पे बिल्कुल विराजमान हूँ। ये चले गए हैं, इनकी सीट मैंने हड़प ली है और ये कारीगर के पास गए हैं। तो चीना कोको पूछी घर में अकेले हैं, नहीं घर में अकेले क्या हैं, मम्मी वगैरह हैं, सारे हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है और दिक्कत नहीं होती है। तो मैं दुकान पर आ गई और चीना अपने नेल्स एक्सटेंशन करवाने चली गई है। मैं कह रही हूँ मैंने कभी जिंदगी में कभी नेल एक्सटेंशन में पता ही नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तब भी मेरे को नहीं पता था कि नेल एक्सटेंशन क्या होते हैं। छोटे नेल्स पर ही हमें नेल पॉलिश लगा दी और हमारी शादी होगी। और आजकल के बच्चे हैं जो जन्मदिन पे भी नेल एक्सटेंशन करवाते हैं। 3 दिन से चीना अपने जन्मदिन की तैयारी कर रही है। कभी नेल एक्सटेंशन का काम है, कभी ड्रेस है, ड्रेस था जो बनवाई है उस पर पता नहीं क्या काम करवाना था, वो काम करवाने के लिए गई हुई थी। बस अभी कभी पार्लर जाना है, कभी कुछ है। 3-4 दिन से अपने इसी जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई है। और जब मैं छोटी होती थी, मेरा जन्मदिन 30 दिसंबर को आता है, तो विंटर की मतलब की छुट्टियाँ होती थी। हम लोगों को पहले क्या होता था, स्कूल में सिर्फ ट्रॉफियाँ बांटनी होती थी। मेरे पापा मुझे ट्रॉफियों का पैकेट ला के दे देते थे, कहते थे जाओ जाके स्कूल में ट्रॉफियाँ बांटो। और वो भी क्या होता था, 30 दिसंबर का जन्मदिन होता था, स्कूल बंद होता था। मैं बैठ के इतना रोती थी कि एक जन्मदिन होता है उसमें ट्रॉफियाँ बांटनी होती है बच्चों को। बड़ा शौक होता था कि बच्चों को टॉफियां बांटे, और वो भी हम नहीं बांट सकते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद होते थे। जैसे ही स्कूल खुलते थे मैं टॉफियां लेके जाती थी, फिर मैं हर किसी को बोला करती थी मेरा जन्मदिन था 30 तारीख को, ये टॉफी ले लो मैडम, ये लो टॉफी, मेरा जन्मदिन था। हम लोग ऐसे करते थे, पहले पार्टियां कुछ नहीं हुआ करते थे। माँ बाप पहला जन्मदिन मनाते थे, बस उसके बाद घर में बैठो, और केक भी नहीं कटते थे, कुछ भी नहीं होता था। मगर आजकल तो जन्मदिन पे एक नहीं बच्चे 10-10, आजकल सारे बच्चे केक लेके आते हैं। सब बच्चे जन्मदिन पे कोई गिफ्ट नहीं लाते, बच्चे केक ले आते हैं। केक काटते 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 8-8, 10-10 केक हो जाते हैं, और हमारी बारी में एक केक कटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बच्चे बोलते हैं हम तो जन्मदिन मनाएंगे, मम्मी हमने सबकी पार्टियां खाई हैं, हम सबकी पार्टियों पे खा के आए हैं, साल हो गया हमें खाते हुए, इसने मुझे जन्मदिन पे बुलाया, उसने मुझे जन्मदिन पे बुलाया, मैंने सबकी पार्टियां खाई हैं, अब पार्टी तो बनती है देनी, पार्टी तो बनती है, ये तो देनी ही पड़ेगी। बस बच्चे अपना जन्मदिन से पहले सब तैयारियां करने। पिछली बार भी गोलू ने बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया था, मैं जब गई थी। इस बार तो गोलू चंडीगढ़ थी, मैं जा नहीं पाई। पिछली बार गोलू जब दिल्ली में थी, गोलू ने बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया था। तब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, मैं आपको दिखाती, हो सकता है शायद अपने अरमान मलिक के ब्लॉग में देखा होगा मुझे भी और गोलू को भी। तो बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया था उसने भी। 8 बज चुके हैं, मैं दुकान से आ गई हूँ। अब समय नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए,
तो यही सोचा चीना को भी चावल बहुत पसंद है, मुझे भी चावल बहुत पसंद है, तो मैंने चने की दाल भिगो दी है, तो साथ में उसमें चने की दाल भी डाल दूंगी, आलू भी डाल दूंगी, सोयाबीन की बढ़िया भी डाल दूंगी, उसके चावल बनाऊंगी और टमाटर प्याज का तड़का लगा के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अचार के साथ नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं पुदीना लेके आई थी, धनिया पुदीना लेके आई थी, हरी मिर्च, तो वो मैंने काट के धो के बना के रखे हैं। चावल के साथ साथ धनिया और पुदीने की चटनी भी बनेगी। गर्मी है, गर्मियों में वैसे भी धनिया और पुदीना ठंडा होता है पुदीना, तो चटनी बना के खानी चाहिए, वैसे भी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आज शनिवार है और साथ में महावीर जयंती भी है, हनुमान जयंती है, तो वैसे भी हम हनुमान जी को ही, क्योंकि मंगलवार भी और शनिवार हनुमान जी का ही दिन होता है, आज बहुत अच्छा दिन है, जो आज बहुत अच्छे दिन महावीर जयंती आई है, तो बस ये आने वाले हैं दुकान से, तो मैं फटाफट तैयार ही हूँ, तो मंदिर जाएंगे, तो हनुमान शनि देवता के पास भी जाएंगे, हनुमान जी के पास भी जाएंगे, प्रसाद वगैरह ले जाऊंगी मैं, तो वहाँ चढ़ाऊंगी। आज तो बहुत अच्छा दिन है, पिछले शनिवार तो हम शनि शिवनापुर थे, बिल्कुल साक्षात हमने दर्शन किए थे शनि देवता के, और मैंने आपको सारा मतलब कि ये सब वीडियो भी आपसे शेयर की थी। अब हम मंदिर जा रहे हैं। पुदीने की चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। कई लोग बिल्कुल बहुत बारीक बनाते हैं जैसे मेहंदी जैसे हैं, मगर मुझे मेहंदी जैसी चटनी पसंद नहीं है, मुझे ऐसी ही चटनी पसंद है। और इसमें अमचूर डाल दिया है, अम्बी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, तो मैंने अमचूर डाल दिया इसमें खट्टा करने के लिए। ये बजरंग बली जी हैं, हनुमान जी है, आज इनका पूरा पूरा श्रृंगार हो रखा है। जय हनुमान जी। ये शनि देवता जी हैं, शनिवार है और ये शनि देवता जी को तेल चढ़ा रहे हैं। जय शनि देव, ओम शम शनि चराये नमः। पिछले शनिवार तो हम शनि शिगनापुर थे। मंदिर में हनुमान जयंती की चौकी हो रही है, मैं आपको मंदिर में लेके चलती हूँ। ललिता मंदिर से आ गई है और मम्मी को प्रसाद दे रही है। हेलो मम्मी जी, हाँ। ना मैं लड्डू का प्रसाद है। अच्छा, अच्छा खीर अमन दे के गए? हाँ जी प्रसाद, वो भी मैं भी मैं हल्का मिठा है। अच्छा जी खा लो। अच्छा मैं हूँ मंदिर गई थी ना तो प्रसाद। अच्छा। मैं का सारे ना पूछते ने तुम्हारे बारे कि माता जी को अब ब्लॉग में क्यों नहीं लेके आते। अच्छा हूँ तुम बोलो। अच्छा। की बोलना चाहते हो बोलो की अब इसीलिए नहीं मैं आई, मैं ठीक हूँ, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं। दो तीन दिन की तबीयत खराब है किसी ना मुझे ठीक है वो। हाँ। अब मैं ठीक हूँ। लूज मोशन सीधे होती है, तबीयत खराब हो गई बिल्कुल ठीक है। आइए हनुमान जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और प्रसाद आप भी खाइए, आप भी लोग खाओ और आशीर्वाद दो। मैं अब चल पड़ू थोड़ा सा। नहीं ठीक हो जाओगे, मैं शनि देवता दे गई सी उठ जाके मैं बोलिया सी, ये शनि देवता जी मम्मी ने कहा है कि भी बोलो कि मैं ठीक हो जाऊं सी, चल पोगे चिंता ना करो, साईं बाबा जी नु शनि देवता सब नु कहा है। मैं मेरे चावल बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं, साथ में ये छोलों की दाल वाले चावल और चटनी मजेदार से चावल बन गए हैं। गाइस आप भी अपने घर जरूर बनाएं। मैं गोलू के घर जब भी जाती हूँ तो गोलू हमेशा कहेगी मम्मी आप मुझे छोलों ये चने की दाल वाले चावल बना दो, तो मैं उसके घर जब भी जाती हूँ पायल और गोलू ये मेरे से चावल जरूर बनवाते हैं, बहुत शौक से ये दोनों खाती हैं। ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।